हेलो गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम टू अनदर क्विक ट्यूटोरियल वीडियो। आज का ट्यूटोरियल कोई प्लगइन के ऊपर नहीं है, कोई ओबीएस ट्यूटोरियल के ऊपर नहीं है। जैसा कि थंबनेल आपने देखा ही होगा कि वी आर डूइंग वन ऑफ द बिगेस्ट गिव अवेज इन द जेंशन इंडियन स्ट्रीमर कम्युनिटी। वी आर गिविंग नॉट वन, नॉट टू, नॉट थ्री, फोर ब्लेसिंग्स ऑफ वेलकम मून हर हफ्ते, एक टू ऑन ट्विच, टू ऑन यूट्यूब। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत सिंपल है। हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कीजिए, सारे डिटेल्स वहाँ पे अवेलेबल है। मैं थोड़े थोड़े करके बता देता हूँ कि क्या कौन सा है, क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। जो चार क्वेश्चंस आज मुझे आए हैं, मैं उसके आंसर देने की कोशिश करता हूँ। अगर कोई भी दिक्कत हो, प्लीज़ किसी भी स्टाफ को टैग करके पूछ लीजिए, वो मदद कर देंगे। नहीं मिल रहा है, मुझे डायरेक्टली DM कर लीजिए, मैं आपको मदद कर दूंगा। जैसे ही आप हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करिएगा, आपको एक चैनल मिलेगा वेलकम गिव अवे बोल के। जो चैनल आपसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7th चैनल है फ्रॉम द टॉप, वेलकम के बाद 7th चैनल है। इस चैनल में सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस पूरे क्लियरली मेंशन किए हुए हैं। सबसे पहले आपको जो करना है, ज्वाइन करने के साथ साथ हमारे यूट्यूब और ट्विच दोनों को लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो करना है। उसके बाद आपको डिस्कॉर्ड में थोड़े दिन थोड़ा थोड़ा करके एक्टिव रह के डिस्कॉर्ड में लेवल 10 रैंक पहुंचना है। ट्रस्ट मी गाइस, लेवल 10 रैंक पहुंचने के लिए मैक्स टू मैक्स आपको 1 से 1.5 दिन लगेगा और आपका एक्टिव टाइम भी ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 घंटा चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी हम स्ट्रीम करते हैं आइदर ऑन ट्विच और YT, जहां से भी आपको गिव अवे लेना है, वहां पे आपको मिनिमम पूरे हफ्ते में 4 घंटे का वॉच आवर एक्यूमुलेट करना है। अगर आप ट्विच से गिव अवे लेना चाहते हो तो ट्विच में 4 घंटे का एक्यूमुलेट करो, अगर आपको यूट्यूब में चाहिए तो यूट्यूब से 4 घंटे का करो। अगर आपको दोनों में ही चांस लेना है तो दोनों में से आपको 4-4 घंटे का एक्यूमुलेट करना है टोटल वॉच आवर्स। ये पहला कंडीशन है। इसमें एक कैच है, अगर आप यूट्यूब के मेंबर हो या ट्विच के सब्सक्राइबर हो तो आपको 3x एक्स्ट्रा लक मिलेगा, 3 times ज्यादा लक मिलेगा गिव अवे में, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, एज अ जेंशन प्लेयर आपका AR मिनिमम 35 एंड प्लस होना चाहिए और आप रेगुलर प्लेयर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि अकाउंट खोल लिया और आगे गिव अवे के लिए, नहीं चलेगा, नहीं होगा। इसके बाद आपको क्या करना है, ठीक विल्किन मून के ऊपर एक चैनल है रिएक्शंस एंड रोल्स जाके, इसमें जाके आप अपने लिए जेंशन का रोल ले लो और आपका आर्कॉन चूज कर लो, जो भी आपका फेवरेट आर्कॉन है उसको चूज कर लो। ये आपको एक कर लेना है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको और एक चीज जो है जो आपको याद रखनी पड़ेगी कि गिव अवे के लिए हम लोगों ने 1 हफ्ते का टाइम दिया हुआ है। गिव अवे चालू होगा 1st of March से, वीक के किसी भी दिन गिव अवे हो सकता है। आपको चैनल में एक्टिव रहना पड़ेगा 9 बजे से 11 बजे तक, इस बीच कभी भी गिव अवे हो सकता है, किसी भी दिन हो सकता है। जो 3 दिन हम लोग यूट्यूब में करते हैं उस 3 दिनों में से किसी भी दिन यूट्यूब में हो सकता है, जिस 3 दिन हम लोग ट्विच में करते हैं या 4 दिन ट्विच में करते हैं उस 4 दिनों में से किसी भी दिन हो सकता है। देर विल बी नो प्री अनाउंसमेंट फॉर दैट, ये याद रखिएगा। आपको 9 से 11 इस टाइम में आपको एक्टिव रहना पड़ेगा और 20 मिनट पहले आपको आना पड़ेगा। अगर 9 से 11 का आपका स्लॉट है गिव अवे का, तो एटलीस्ट आपको 8:30 तक चैनल पर आना होगा। 20 मिनट का मिनिमम एक्टिव टाइम चाहिए और एल्स आप एलिजिबिलिटी में नहीं आओगे। दूसरा गाइस, ये हम लोग प्योरली एंड प्योरली वेलकम मून गिव अवे करेंगे। अगर आपके पास ऑलरेडी है, आपको दूसरा लेना है तो ले सकते हो, नहीं लेना है तो आई कांट डू एनीथिंग। हम लोग इसके रिटर्न में कुछ और नहीं देने वाले हैं। वी विल टेक योर लॉगिन डिटेल्स, आपको VC में रख के आपके सामने स्क्रीन शेयर करके आपको बाय करके दे देंगे और आपके अकाउंट से जो आपका वेलकम एक्टिवेट हुआ है उसका एक स्क्रीनशॉट हम लोग ले लेंगे। दैट इज ऑल द फॉर्मेलिटीज। अभी यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हर एक के पास ऑलमोस्ट, मैंने देखा है, मेरे पास नहीं है ऑल्दो, लेकिन मैंने बहुतों को देखा है कि 2-2, 3-3 ID है। क्या आप 2-2, 3-3 ID से आ सकते हो? यस, आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हर 2-2, 3-3 ID के लिए, हर अलग अलग ID के लिए, जेंशन ID के लिए आपको अलग अलग डिस्कॉर्ड अकाउंट से आना पड़ेगा। एक ही डिस्काउंट अकाउंट से एक ही UID वी विल एक्सेप्ट। उसमें भी एक रीजन है, वी वॉन्ट टू गिव अ फेयर चांस टू एवरी वन।
जिनके पास एक है उनका तो एक ही टाइम लक होगा ना, और जिनके पास दो है वो दो दो बार पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो ये लॉजिक के लिए आप डिफरेंट डिफरेंट आईडी से आइए, वापस ये वॉच टाइम ग्राइंड कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है आपको वापस एलिजिबिलिटी में डालने के लिए। और जब आप हमारे साथ बात करिएगा, अगर आप जीतते हो हमारे साथ बात करते हो, हम आपको वीसी में लेते हैं, आपको बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप नो माइक में भी हमें रिस्पॉन्ड कर सकते हो, इट्स नॉट अ मैंडेटरी थिंग, ठीक है। बाकी सब यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। एक चीज़ जो आपको करना पड़ेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, आपके नाम का प्रीफिक्स चेंज हो जाएगा, आपके नाम के प्रीफिक्स के बाद नूब और आपका लास्ट फोर डिजिट ऑफ यूआईडी मेंशन होगा, और अबाउट अस में आपका जेंशन यूआईडी मेंशन होना पड़ेगा। दिस इज अ क्राइटेरिया। सो अगर आप ऑल्ट अकाउंट को भी लाते हो उसका भी निकनेम चेंज करा लीजिएगा विद द लास्ट फोर डिजिट्स ऑफ योर यूआईडी, और अबाउट में आके जेंशन यूआईडी मेंशन करना मत भूलिएगा। किसी भी स्टाफ से मदद ले लीजिए, अगर स्टाफ अवेलेबल नहीं है मुझे डीएम कर दीजिए, मैं आपको ज़रूर मदद कर दूंगा, लेकिन माई स्टाफ्स आर समहाउ ऑर द अदर अवेलेबल। अभी भी अगर देखोगे रात के 1:20 हो रहे हैं, इलाही भाई इज अवेलेबल टू हेल्प, मैं खुद भी हूँ। सो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, एवरी स्टाफ इज अवेलेबल टू हेल्प यू गाइस। लेकिन गाइस प्लीज़ याद रखिएगा, प्लीज़ सारे रूल्स को एक बार ज़रूर से प्यार से याद से पढ़ लीजिएगा, कहीं पे समझने में कोई दिक्कत हो बेझिझक हमें क्वेश्चन कीजिए, जितना मन क्वेश्चन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वी हैव केप्ट इट एज ट्रांसपेरेंट एज वी कैन, हमारी जजिंग की प्रोसीजियर, हम कैसे प्राइज देंगे, सारे प्रोसीजियर्स डाल दिए हैं। अगर वे अवार्ड विनने के बाद आपका कोई भी यहाँ से क्राइटेरिया मिस होता है तो आप डिस्क्वालीफाई होते हो, और उसके दूसरे दिन ये प्राइज वापस रोल आउट हो जाएगा किसी और बंदे के लिए। सो गाइस प्लीज़ फॉलो कीजिए रूल्स को, दैट इज ऑल आई कैन से, ऑल आई कैन एक्सप्लेन, और इन्जॉय कीजिए वन ऑफ द बिगेस्ट गिव अवेज इन द जेंशन कम्युनिटी। और जस्ट टू गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ यू नो हेड्स अप, दिस इज नॉट गोना बी जस्ट अ वन मंथ अफेयर, शायद आगे इससे ज़्यादा भी हो सकता है और कुछ नया भी आ सकता है। इसी के साथ I am Noobody signing off. Thank you for watching.